प्रदेश में बारिश का सिस्टम अब सक्रिय हो चुका है। मॉनसून ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी की मार से राहत दी है, तो दूसरी ओर बाढ़ और कटाव की परेशानी से भी एक बड़ी आबादी जूझ रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने पीड़ितों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग अपने ही हाथों से घर मकान तोड़ने को मजबूर हैं। अपने घरों को तोड़कर लोग सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया यूपी के बलिया जिले का सामने आया है, जहां लोग अपने घरों पर ही बुलडोजर चला रहे हैं, अपने हाथों से अपने घरों को तोड़कर ईंट और अन्य सामान कहीं और ले जा रहे हैं। ये सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। बलिया के टिकुलिया और भोजपुरवा गांव में सरयू नदी का काटन इतना उफान पर है कि लोगों के आशियाने नदी में समा रहे हैं। हमने का भाई घर के ढोहा था, हमने का साधन बैठे के उठे के नहीं खाना खाना ना पीना ना निमन बना पावत बा। हमने का सरकार कौन साधन का देता नहीं, कौन सा का हमने का उठावत नहीं बैठावत नहीं, आके हमने का पानी में ढाह। तो का स्थिति बाटे अभी गांव के? स्थिति अभी ढाते बड़ी। कितना घर लगभग कटान में चल गेल बा? कहा कटान में तो हमने का कितना जमीन चल गई, अब एक लाठी दू लाठी हमने का गुजर रोके वाला बा। हां, अब धान धान गिरा तो 7 दिन में आइले बारी हमने का लगे। कितना घर है गांव में बाटे? अभी घर के तो जब बात है 100 से अधिक घर बा बाटे। कब अब तक ले टूट गेल सन? अब तक ले तो 3 तले घर वाला टूट गेल बा। तो अभी डीएम साहब आए नहीं है, क्या कहने हैं डीएम साहब? तो सब लोग कहते जब ठोकर सुताओ तो लोग जब मुझे पड़ जाए हमें ठोकर बनाए कहते रहो, लेकिन कुछ होत नहीं है। कुछ नहीं कहो, पहले से कोनो व्यवस्था ना रहा? जेठ बैसाख में ना कर लो, एक घड़ी रोकी हमने के कहे के बैठी को तुम कहेगा बहुत जब जा, मगर कोनो सरकार साधन मत देवन के हम के काम बा, जब हम के साधन देत हम के बता जा। गांव के लोग अपने घरों का सामान पड़ोस या रिश्तेदार के घर ले जा रहे हैं और अपने ही हाथों से घरों को तोड़ रहे हैं, ताकि ईंट और पत्थर का अन्य जगह उपयोग हो सके। अब तक सरयू नदी के काटन के कारण कई घर विलीन हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक 13 घरों को तोड़ा जा चुका है। नदी पास के तो जा रहा बानी के बह के डगराई के सर सामान काट के अनका इतना तक धरता नहीं जा, कौनो व्यवस्था सरकार आप वीडियो आवत रहे तो देते नहीं खान। आज तो डीएमओ साहब आए रहे, क्या करना? डीएमओ तो कह के जाता रहन कि सब ठीक हो जाए, यही तक तो तोप कर जाता लोग आ केनो का साथ निकल बताओ, खैला पियला भी बुरा के तत्पल हो के अपन ढाहत करत बन के बाल बच्चा लेके परेशानी होता, परेशानी होल बांस गिरावत आलो उहे को दुगो। अच्छा, कौन साल से परेशानी बटे? परेशानी बा हमने के 3 साल से, 3 साल से कटान के परेशानी होता। कहता लोग कि सुखरक हो गया तो लच बांधेगा, बांधत नहीं खेल बाढ़ बुढ़िया होता ढहे लागता नहीं जा, तब लागता लो इंतजार करे, बाकी जानता के इंतजार के उसे नहीं कर रहा कि मैंने करे के साधन दी गाड़ी घोड़ा तौर त्रिपाल की मैंने कुछ नहीं खेल सब अपने से। हाँ, अपने लग से खा। कितना मकान टूट गया सन? हमने का टिकुलिया में 100 करोड़ से ऊपर मकान टूट गई बड़ी से टूट गई। हाँ, अभी कितना मकान ऐसा लगा था कि टूटी अभी 100 करोड़ से ऊपर टूट जाए। बलिया जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि जो भी परिवार यहां से जा चुका है उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि नुकसान की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी ताकि मुआवजा मिल सके। लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 13 मकान तोड़े जा चुके हैं। बलिया में एक गंगा नदी और एक सरयू नदी है, और वर्तमान में जो है ये जो भोजपुरवा है सरयू नदी के किनारे स्थित है। पहले सरयू नदी के उस साइड में जो है कटान होता था, अब के जो पानी का प्रेशर है वो इस साइड पर है और इधर कटान हो रहा है, और जो यहाँ पर बताया गया है कि 13 लोगों ने अपने घर यहाँ से अभी तक हटाए हैं। हमारे लेखपाल यहाँ पे मौजूद है और मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी घर यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उन सबकी सूची दिलाई जाए, ताकि हम उनको नियमानुसार जो शासकीय सहायता राशि दे है वो उनको दिलाई जाए। इसके अलावा यहाँ से हमारा जो बाढ़ शरणालय है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हम वहाँ पर इनको पहुँचा रहे हैं। बाकी इनका जो नुकसान हुआ है उसका हम सर्वे करके और शासन से उनको नियमानुसार सहायता दे रहे हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि अभी तक जो हमारे लेखपाल सर्वे के अनुसार है वो 13 लोग यहाँ से घर हटा करके गए हैं और बाकी पूरा सर्वे करा रहे हैं। लगभग यहाँ पर जो है कच्ची मस्ती मतलब कच्चे घर और पक्के घर मिला के लगभग टोले में लगभग 100 घर के आसपास, और अभी जो
यहाँ सरयू का कटान हुआ है वो पिछले 5-6 दिनों में 80 से 100 मीटर जो मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया है वो कटान में जमीन गई है। अभी जो यहाँ का जल स्तर चल रहा है वो 64.20 है और जितना पानी ऊपर से आ रहा है लगभग उतना जो है पास हो जा रहा है। अभी पानी के बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हम जो हमारा कार्यवाही है वो शासन सभी कार्यवाही कर रहे हैं नियमानुसार इनको सहायता राशि दी जाएगी। मैंने यहाँ पर ग्रामीणों से भी बात की है इसके उपाय कटान रोकने के लिए सरकार क्या कार्य कराए जा रहे हैं। देखिए गंगा नदी के लिए जो है वो कटान रोकने के लिए कार्य कराए हैं। सरयू में जिस जगह पर है वहाँ का प्रपोजल शासन में जो है भेजा गया था और इस साल उसमें कटान का यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है और इस साइड पहले कटान नहीं होता रहा लेकिन इस साइड आपके प्रेशर होने के कारण इस तट पर जो है कटान। लोकल 18 बलिया से सनंदन की रिपोर्ट।